बिल्कुल एसी डीसी, आप डीसी बस को चला सकते हैं और एसी भी चला सकते हैं, ठीक है। तो पहले दोस्तों हमारे पास हमने ये कार्टून ले लिया है, ठीक है। ये कार्टून का हम काट लेंगे बोर्ड के हिसाब से, उस रिसीवर के हिसाब से हम उस कार्टून को बनाएंगे। जो गत्ता है हमारे पास उसको हम रिसीवर के बोर्ड के हिसाब से हम पता बनाएंगे। अभी हम बनाने जाते हैं रिसीवर अपने हाथ का, ठीक है। तो काफ़ी दोस्तों को शिकायत रहती है कि यार रिसीवर जो है हमें करंट मारता है, अर्थ मारता है, ठीक है। कभी कभी गीले हाथ होते हैं तो शॉट वगैरह हमें लग जाती है। तो आज हम उसका प्रॉब्लम सोल्व करने लगे हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज हम बनाएंगे नया इनोवेशन जो कि हम रिसीवर को अपने हाथ से बनाएंगे। ये पूरे जो इसका कंपोनेंट वगैरह होता है, इसका मदरबोर्ड वगैरह होता है, सप्लाई वगैरह होती है, वो मार्केट से मिल जाती है। बिल्कुल सस्ता भी पड़ेगा आपको और आसानी के साथ आप इसको बना भी सकते हैं। बिल्कुल आसान है इसको जोड़ना, इसके कनेक्शन वगैरह करना खुद को आसान है। बिल्कुल आपके साथ शेयर कर देंगे इसकी वीडियो के जरिए, आप खुद ही बैठ घर बैठ के इसको रिसीवर को अपने हाथ से बना सकते हैं, खुद की फैक्ट्री बना लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इसमें कनेक्शन करके दिखाऊंगा और उसके रिसीवर में को गत्ते के अंदर ये जो खोखा हमारे पास पड़ा है उसके अंदर उसी को पैक कर देंगे और बिल्कुल रिमोट कंट्रोल वगैरह चैनल वगैरह चला के आपको चेक कराएंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं करेंगे इसकी फिटिंग, ठीक है। तो मैंने इसमें से गत्ता ले लिया है, 16 प्लेट का मेरे पास गत्ता पड़ा था, उसको मैंने ले लिया है। उसके इसके हिसाब से मैंने काट भी लिया है, इसके कोने वगैरह सारे साइड वगैरह इसकी मैंने बना लिए, ठीक है। तो आपको भी मैं इसका ट्रिक दे दूंगा, आप उस तरीके से बना लेंगे। तो अभी मैं इसके जो सुराख वगैरह हैं, इसके जो कंपोनेंट वगैरह है उसको एडजस्ट करने के, इसको फिर फिट करने का आइटम वगैरह, वो सारा आप डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा किस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। और मेन मसला जो है इसका जो डिजिटल ये वाला इसका जो बोर्ड है, जो रिमोट कंट्रोल की आई वगैरह होती है, इसका डिस्प्ले होता है, उसको भी सर्किट हम फिट करेंगे और बिल्कुल रिसीवर की तरह इसको बनाएंगे, इसको एसी पे चलाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मेन जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो उसका करंट ख़त्म करना है, ठीक है। काफ़ी दोस्तों को शिकायत आती है कि इसको रिसीवर के ऊपर हमें करंट लगता है या एलसीडी के ऊपर करंट लगता है, तो वो उसकी प्रॉब्लम हम इसकी वीडियो के ज़रिए सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जो गत्ता है इसको राउंडेबल फोल्डेबल कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसका फोल्डेबल कर लिया है। तो ये देख लें आप इसकी कंडीशन, तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल रिसीवर की बॉडी के हिसाब से हो गया, ठीक है। अभी ये रिसीवर की अंदर से जाएगी, ये इसका पैनल, डिस्प्ले का पैनल लगेगा, ठीक है। तो ये ऊपरली साइड होगी और ये निचली साइड आएगी, ठीक है। ये रिसीवर बिल्कुल कम्प्लीट है, ये देखें रिसीवर की बॉडी की तरह फिक्सेबल बन गया, ठीक है। तो अभी हम पहले से पहले इसकी हम फिटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा के वगैरह इसके रिमोट जो बटन वगैरह वो काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो पीछे ये चिप दी हुई थी वो भी हम सेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप जो है हमारा वो दोस्तों हम इसको फिट करेंगे, इसके जो बॉक्स वगैरह उसको सही तरीके से फिट कर लेंगे, ठीक है। सो पहले हम यहाँ से इसकी लगा लेते हैं, ठीक है, पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं, इसको कर लेते हैं बिल्कुल क्लियर फिट, ठीक है। ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पर ग्लू गन लगा दिए, ठीक है। ग्लू वगैरह लगा कर इसको कर दिया फिक्स, ठीक है। यहाँ पर ग्लू लगा दिया, ग्लू लगा कर इसके जो है अभी ये हो गए फिक्स, ठीक है। ये बॉडी इसकी रेडी हो गई है। अभी हम इसके कंपोनेंट वगैरह उसकी जगह बनाएंगे, जगह बनाकर उसके कंपोनेंट वगैरह उसके निशान वगैरह बनाकर इसको फिक्स कर देंगे। जब तक ये सूखती है तब तक के लिए मैं इसको पकड़ना पड़ेगा,
तो ये है इसका एलईडी का जैक, ठीक है। ये डायरेक्ट इसमें एलईडी के जो डिस्प्ले जैक होता है वहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। और ये यूएसबी जैक है, ये डायरेक्ट दोनों एक साइड इसमें जो खांचे ढांचे दिए होते हैं वो एक साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं, उसको उसी जैक पे लगाना होगा होता है, ठीक। और ये है हमारे पास ये डीसी सर्किट है जो रिसीवर और एसी डीसी दोनों चलाएंगे, ठीक है। तो उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, देखते हैं। और उसके साथ ये लगेगा फैन, ठीक है। फैन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये हीटअप ना हो। और इसमें जो कंपनी के जो रिसीवर आते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये जो रिसीवर है इसका जो ऊपर लटक होता है इसके अंदर के ये सुराख होते हैं, ये छोटे से सुराख होते हैं, तो उसके फैन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हीटअप यहाँ से निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। तो नीचे के हिसाब से इसके ये नीचे जो है नीचे साइड जो है वहाँ पर भी इसके सुराख लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके सुराख के नहीं कर रहे हैं, सुराख इसलिए नहीं कर रहे हैं, और हमें जो फैन इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि हम सुराख नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम फैन लगा देंगे, इसकी जो हीटअप है वो फैन खुद ही बाहर निकाल लेगा। ये डीसी कनेक्शन है, ठीक है। ये डीसी कनेक्शन ये लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लगने के बाद ये जो सर्किट है ये लग जाएगा यहाँ पर इसके, ठीक है। तो ये कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये अभी रिसीव चलेगा एसी डीसी दोनों को, ठीक है। तो ये कनेक्शन यहाँ पर होगा, ये कनेक्शन यहाँ पर होगा, ये सर्किट ये इसमें थूक ले। चुका है एसी डीसी रिसीवर, हाथ का बना हुआ रिसीवर। मैंने ये मार्केट इसके जो कंपोनेंट वगैरह है उसको जो बोर्ड वगैरह है वो मैंने मार्केट से ऑनलाइन मंगवाया है, ठीक है। तो अभी ये मैंने इसको रिसीवर को एसी डीसी बना दिया है, मेरी खुद का मैंने अपने मेहनत से बनाया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डीके इलेक्ट्रॉनिक्स निंदवालो, मैंने अपने हाथ से इसको रिसीवर को पैक किया है। और ये कस्टमर की काफ़ी शिकायत थी कि यार इसके रिसीवर के ऊपर हम हाथ वगैरह लगते हैं, यहाँ वो इसका हाथ वगैरह लग जाता है तो उसको ये रिसीवर हमें करंट वगैरह मारता है, तो करंट से भी लेस है, किसी कस्टमर को ये करंट नहीं लगा सकता, ताकि क्योंकि इसकी जो ये बॉडी है मैंने गत्ते के दे दिए तो उसमें करंट भी नहीं लगता सकता। और इसमें एसी डीसी भी बना दिया है मैंने, ठीक है। साथ साथ इसका फैन भी लगा दिया है, फैन इसलिए लगाया है कि इसकी जो हीटर पे वो बाहर निकले, कंपनी का जो रिसीवर आता है उसकी बॉडी के हिसाब से छोटे छोटे इसके सुराख दिए होते हैं, उसकी मदद से वो हीट जो एयर है वो लेता रहता है, ठीक है। तो ये मैंने एयर के हिसाब से कोई भी जगह नहीं दी, तो सिर्फ मैंने इसके में पंखा लगा दिया है, तो इसकी जो हीटर है वो बाहर यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख लें, इसका डेमो देख लें, आपको मैं चला कर भी दिखा देता हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर, ठीक है।
तो रिसीवर को मैंने पीछे से बंद किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने रिसीवर को किया ऑन, ठीक है, ये फैन भी इसका चलने लग गया है, ठीक है, और ये यहाँ से देखें ये स्टार्ट होना शुरू हो गया है। बिल्कुल एसी डीसी है, आप डीसी बस को चला सकते हैं और एसी पे चला सकते हैं, ठीक है। तो रिसीवर ये ऑन हो चुका है, अभी आप देख लें, ये देखें इसका फ़ैन का भी आवाज़ आ रहा है, इसका जो हीटर है वो यहाँ से इसकी मदद से ये निकल जाएगी बाहर, ठीक है, और ये यहाँ पर डीसी पे चलेगा, ठीक है, डीसी पर और साथ साथ इसकी पिनी वगैरह ये दी हुई है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।